अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा आबासी। सर्दियां तो आ गई हैं लेकिन सियासी पारा जो है तेज़ी से ऊपर जा रहा है। 22 नवंबर को जो होने जा रहा है पीडीएम का बड़ा जलसा पिशावर में, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मीर वाइस खिलजी, उनसे जानते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं वो इस जलसे को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, 22 को जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? 22 को जलसा हो रहा है, कोई मतलब पहले भी जलसे कर चुके हैं और कराची में, सिंध में कर चुके हैं, पंजाब में कर चुके हैं, बलूचिस्तान में कर चुके हैं, तो केपी में एक जलसा होगा, नथिंग मच। मैं तो पहले भी ये बार बार शो में कहता रहता था कि बंद गली की तरफ जाएंगे, एक थ्रेड होता है, आप उस थ्रेड को यूज़ कर सकते हो। आप वो जब थ्रेड यूज़ कर जाते हो तो उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसकी तासीर ख़त्म होगी। पहले वो कहते थे कि हम ये करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, वो एक मतलब एक थ्रेड होता था। अब जब आपने 4-5 जलसे कर लिए हैं, कोई छठा जलसा भी कर दो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस जलसे से कोई फ़र्क पड़ता है। आज मानसेरा में भी मेरे ख्याल से जलसा हुआ है, तो नून लीग का देखें, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि प्रेशर ग्रुप के साथ किस पे प्रेशर डाल रहे हैं, जिन हुकूमत, देखें हुकूमत को क्या प्रेशर है, उन्होंने अपना काम करना है, ऐसे ही आवाम को खजल खार करनी है। आप देखो नैरेटिव समझें कि नैरेटिव क्या दे रहे हैं। देखिए इस टाइम अगर आवाम के लिए ये आप नैरेटिव लेके आएँ कि महंगाई है और इसके ख़िलाफ़ करें और ये कहें कि चीज़ें लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है और बड़ी मुश्किल हो रही है, ये नैरेटिव लेके चलें तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। आप जहाँ भी जाते हैं, जलसे में जाते हैं, आपका एक ही मकसद होता है, हमारे साथ जुल्म हुआ, मियाँ नवाज शरीफ के साथ बड़ा जुल्म हुआ, वो चले गए, हमारे सियासत में इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही हैं। एक दिन आप कहती हैं कि वोट को इज्जत दो, दूसरे दिन खुद इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उसको हमारी चीज़ें जो है वो ठीक कर दें और इमरान खान को जाने दें। मुलाकात का कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात का, वो लोगों के सामने छुप के मुलाकात नहीं, छुप के नहीं, क्यों? आप अगर एक चीज को, हमारा इदारा है मुल्क का, उससे इदारा आपका नहीं है, मुल्क का है, वो अंडर गवर्नमेंट का है। आप इदारे के साथ किस चीज की बात कर, क्यों कर रही हो? आपने देखो, आप कहें कि भाई एपीसी बुलाओ, समझ आती है अगर पॉलिटिकल अंदाज़ से। ये कहना है कि जो हुकूमत है ये आवाम की नुमाइंदा ही नहीं है, जाली मैंडेट लेकर तो पहले कौन से बात ही नहीं करेंगे। तो भाई जब बात देखें, एक तो ये बात है ना, इनमें और तालिबान में फर्क क्या रहेगा? तालिबान का भी यही क्लेम है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है और ये नुमाइंदा ही नहीं है, वो भी उसी तरह की हरकतें करते। आप और उसमें फर्क क्या है? एजुकेटेड बंदे हो, आपके पास देखिए मेजोरिटी है कि नहीं, आपके सारे जितने अपोजिशन मिला लो नेशनल असेंबली में, डिसॉल्व कर दो। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तरीके, लेकिन वो गैर जमहूरी तरीका नहीं अपनाना चाह रहे। अच्छा, मतलब उसको कह रहे हैं कि आर्मी को कह रहे हैं कि एक वजीर आजम को हटा दो, वो गैर जमहूरी नहीं है। आर्मी चीफ हटा सकते हैं? नहीं हटा सकता ना वो गैर, मगर तो ये वो क्या कह ना, तो फिर क्यों हुई? तो मैं कह रहा हूँ ना कि किस तरह से आप आर्मी चीफ को कह रहे हो कि वो गैर, ये गैर जमहूरी कैसा है? आप एक इलेक्ट हो के आए हो और आपको लगता है कि मैंडेट ठीक नहीं है, उसके लिए आपको कानूनी जमहूरी हक, जो तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, जो आपको एक तरीका दिया गया है, आप सब असेंबली डिसॉल्व कर दो, सिंध गवर्नमेंट छोड़ दो, आप पंजाब की गवर्नमेंट की सीटें छोड़ दो, आप जो है पीपल्स पार्टी वो छोड़ दें, नेशनल असेंबली सेनेट डिसॉल्व कर दो। सेनेट में मेजोरिटी किसकी है, किसकी है? अपोजिशन की। कितनी ज्यादा? बहुत, काफी ज्यादा मेजोरिटी है। सेनेट छोड़ दें, खत्म, सारा मुल्क को धरा था। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तरीका कहा जा रहा है कि बाकी जमातों की तरफ से ये ऑप्शन है, लेकिन जो भी पीपल्स पार्टी है वो इस को नहीं मान रही, क्योंकि सिंध में हुकूमत। देखिए मुझे पीपल्स पार्टी जो भी मर्जी हो, मगर मुझे एक उनका स्टांस पसंद है, वो डे वन से जो स्टांस लेते हैं उसी स्टांस पे वो अमल रहते हैं और उसी स्टांस को वो चलाते हैं। जब इमरान खान धरने के लिए निकल रहा था और उन्होंने कहा था कि इस्तीफा दो, पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी थी। जब अभी जब नून लीग आए हैं तो वो उनके साथ भी खड़ी नहीं हो रही, उनका अपना सिंपल एक स्टांस है, वो उस पर खड़ी होती, अच्छे या बुरे, मैं उस पर नहीं जाता कि पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट मैनेजमेंट कैसी है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉडी कैसी है, वो अलग बात है, मगर कम अज़ कम अपने स्टांस पर तो रहते हैं। अब मैं एक जलसे पे आर्मी चीफ, अच्छा आर्मी चीफ के खिलाफ और आईएसआई के हेड के खिलाफ नाम लेके बयान जारी कर दूं, अगले दिन दो दिन नाम नहीं ले सकते? नहीं, क्यों? मतलब देखिए अगर आपके पास सबूत है
ठीक है, प्रेजेंट लेकिन सियासतदानों का तो नाम लिया जाता है सबूत के बगैर भी देखें, लिया जाता है। सियासतदान देखें एक पब्लिक फिगर होता है ना, ठीक है, पब्लिक फिगर ये होता है कि आपको अवामी नुमाइंदे, आपको हमारी आर्मी चीफ या कौन चूज करता है, अवाम तो नहीं चूज करती, आप उसको वो किसी के अंडर काम करें ना कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उसको मानते या नहीं मानते वो तो अलग बात है, मगर आप नाम लेने मतलब अब आप मुझे ये बताए ना, फिर उसी नाम लेने वाले बंदे से अगले दिन आप रिक्वेस्ट क्यों करते होते कि भाई इस वजीर आजम को हटा दो, एक तरीका अपनाओ ना, या तो इस साइड का मतलब है कि आर्मी मुदाखलत करती है जो फिर सियासतदान के पास जाते हैं कि वजीर आजम तो इनको कौन लेके आया है, नवाज शरीफ को कौन लेके आया है, वो तो सबको पता है कि मुदाखलत करती है, मगर ये मुदाखलत तो की जगह स्पेस है कि खुद रोकी जाए, रोक तो नहीं रहे ना, ये तो मुदाखलत करवाने की कोशिश में लगे में अब तक मुदाखलत, देखें इनके पास गए कि हम ये करते हैं, उन्होंने कहा हमने नहीं करना, आप जाने आपका भाई जो काम करते हैं, अब कोई ये वजीर है तो कोई और आ जाएगा तो हमने करना है, ठीक है, आपकी वोट वोटिंग होती है, आपके सारे नुमाइंदा उठ के उसको दे देते हैं, आप इतने कमजोर क्यों हैं, बिक क्यों जाते हैं, ठीक है, आप फिर उसी नुमाइंदे से आप इंतखाब कर रहे थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर को हटा दो और हमें सीट दिला दो, क्यों, ये कौन सा जमहूरी हक है आपके पास, आईनी हक एक तरीका है, आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, इलेक्शन की तरफ जाएं, और उसमें ये जो अब मुझे समझ नहीं आ रही, जब ये खुद के जब गवर्नमेंट में होते हैं ये बदलाव क्यों नहीं लेके आते हैं, 2/3 मेजोरिटी थी नवाज शरीफ के पास, कौन से इस तरह का कानून बनाया है जिससे वो जमहूरी कानून बेहतर हो जाए, 3.5 जब तक ये वजीर आजम थे कोई एक बयान मुझे जारी कर दो, कोई एक चीज मुझे जब बता दो जो उसने खिलाफ बोली हो, जब डॉन लीक्स हुए थे तो अपनी पार्टी के बंदे उन्होंने निकाले या नहीं निकाले, क्यों निकाले, वजीर आजम प्रेशर था, तो अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर जब यहाँ से आए तो यहाँ पे रहते हैं, आप जो मर्जी होता आप अस्पताल में रहते हैं, आप जेल में रहते हैं, वहां से चलाते हैं, बाहर क्यों गए, और बाहर गए भी हैं इलाज कराने के लिए, अदालत ने भेजा, अदालत ने कहा, तो अदालत ने कहा तो हम अदालत अब वही अच्छा, अब उसी अदालत में आपको 10 दफा बुलाया गया, वापस क्यों नहीं आ रहे हो, वापस आओ अदालत को फेस करो, देखो बीइंग लीडर ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, लीडर को जाने देते हो फिर आप ये लोगों को दिखाते हो कि तो ये भी तो लोगों को देखो दोनों तरफ से लोगों को जाने ही नहीं देना चाहिए था, अगर उन पे केस थे आम अदालत का मतलब आप कहती हैं कि अदालत का अदालत के खिलाफ खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट, क्या आप इजाजत नहीं दे सकते, अदालत में भी समा कुछ प्रेशर हुआ तो उन्होंने ऐसा फैसला दिया क्योंकि आम शहरियों को अदालत देखो ये अदालत जो है ना वो पॉलिटिक्स नहीं है उस वो आपको लगता है कि इस अदालत में अगर कोई आम शहरी होता वो ये अपील करता बाहर जाने की तबीयत खराब तो क्यों अदालत से पूछना चाहिए ना कि क्यों इजाजत दी उनको, अब वही अदालत है कि बीइंग लीडर, मैं तो ये नहीं कहता कि वो अच्छा है या बुरा, मैं तो कह रहा हूँ बीइंग लीडर अगर आप अपनी जगह एक चोर मैदान छोड़ के भाग जाते हैं तो आपका अपना मॉरली कोई इतना आपका सपोर्टर नहीं रहते हैं कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मॉरली उनको नहीं करना चाहिए था, बेशक अदालत भी जाने देती वो वापस आते हैं, इलाज करने गए भी थे तो 2 महीने 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने इलाज करके कौन से इलाज हो रहे हैं, सैर सपाटे हो रहे हैं, कभी इस मॉल में तो कभी उस मॉल में वॉकिंग हो रही है, सारा कुछ चला जा रहा है, तो उस चीज़ को तो अब मुझे नहीं समझ आती कि वो करना क्या चाहते हैं, बट ये है कि बींग लीडर उसको यहाँ पर रहना चाहिए, देखिए जरदारी को जो मर्जी चाहे कहो ठीक है, वो जब जेल भी जाता है तो चला जाता है, वो भागता नहीं है, ही इज अ लीडर, आई एक्सेप्ट हिम एज अ लीडर, अच्छा है बुरा दैट समथिंग, बट वो खड़ा रहता है अपने स्टांस पे, खड़ा रहता है अपनी जगह पे खड़ा रहता है, अब ये नहीं होता कि उससे ज्यादा बीमार ना हो जरदारी है, लेकिन उन्होंने इतनी जेल काटी जरदारी ने, हाँ क्या उसका नतीजा क्या निकला है, आप प्रेसिडेंट रहे ना तो मतलब आप जेल काटोगे तो उसके तोहफे में आपको प्रेसिडेंट बना नहीं, नहीं मैं आप कह रही है कि देखिए एक तो चोरी की उन्होंने जेल रहे सजा काटी और लोगों ने फिर उनको मतलब हाँ ये नवाज शरीफ का काम है, नवाज शरीफ ने भी 3 दफा चोरी की तो 3 दफा उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, तो ये मतलब जो जितना बड़ा चोर होगा उसको उतनी बड़ी पोजीशन पे होगा, यही होता आ रहा है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, ये मसला यही है सब कॉन्टिनेंट अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज जितनी भी दुनिया में उन सब में यही मसला है, जो जितना करप्ट होता है वो उतने ही बड़े ओहदे पे होता है और ये होता आ रहा है, सिंपैथी वोट ज्यादातर नहीं, सिंपैथी वोट नहीं, सिंपैथी वोट नहीं, वो खाता है और खिलाता है, ठीक है, आप जब आप उसको किसी का एक हक मार के एक दूसरे बंदे को ऊपर ले आएंगे, लेकिन जब सरदारी को जब वोट पड़े थे
तो वो ज्यादातर सिंपैथी वोट पड़ा था बेनजीर बेनजीर हाँ वो तो था सिंपैथी वोट उसको मिल गए थे उस दफा, उनको इलेक्शन जो जीती भी थी उसी वजह से जीती। आपको क्या लगता है ये जलसे कुछ इम्पैक्ट कर उनका होता है, क्योंकि इमरान खान ने भी काफी अरसा नहीं, इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया, तारीख में सबसे बड़ा जलसा, मुझे नहीं याद है क्या कुछ भी नहीं, जीरो देखो कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ ट्रॉफी ड्रामे और ये करते रहेंगे, और आवाम के अंदर एक ये स्टार्स होते हैं ना, जिस तरह के एक फिल्म स्टार होता है जब वो काफी फिल्मों से दूर हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा है खबरों में रहे हैं, तो ये खबरों में अपने आप को रहने के लिए और अपने सियासत को इन रखने के लिए ये सारे जलसे जुलूस हो रहे थे, असल में इससे ना आवाम को कोई फायदा है ना हुकूमत को कोई नुकसान है। मौलाना ने कहा है कि वो हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और वो अपनी तहरीक को तेज़ करने का भी उन्होंने कहा है, और उनका कहना है कि हुकूमत को घर भिजवाने तक चैन से नहीं बैठेंगे, तो इस पर आप क्या? पूछना सवाल यहाँ पे ये बनता है, मौलाना से मुज़ाकरात कर कौन रहा है यहाँ? हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जाता है कि ये NRO मांग रहे हैं। नहीं, NRO तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कहा जाता है, इनसे मुज़ाकरात कर कौन रहा है? ये यहाँ पे आए धरने के लिए, कितनी टीम गई इनके पास रिप्रेजेंट कर, कितनी टीम गई इनके पास मुज़ाकरात के लिए? कोई नहीं, खुद ही आए, खुद ही चले गए। अब मौलाना जो है ना वो क्योंकि सियासत से बाहर हैं, तो एक ही तरीका है सियासत में रहने के लिए, उन्होंने जोड़ों को जोड़ा हुआ है क्योंकि उसके पास स्ट्रीट पावर है, तो यही चीज नून लीग और पीपल्स पार्टी कैश करना चाहती है, उनको जरूरत है तो इसलिए मौलाना इन है, वरना जहाँ उनकी जरूरत खत्म हुई मौलाना को बीच रास्ते उसी तरह पहले भी धरना दिया था, उनका ये कहना था कि हुकूमत को गिराने तक वो नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए। मेरे एक दो जगह पे शर्त भी लगी थी इसी बारे में, मैंने कहा आएंगे जाएंगे, कुछ नहीं होता, देखो गवर्नमेंट के साथ आप नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, जो मर्जी चाहे कर लो, ठीक है, बेहतर तरीके से ये है कि आप अपनी वर्किंग करें और आपके जो सबूत मांगेंगे आप सबूत दे दें और अपने केस निपटाएं और उसको खत्म करें। 2023 ये मामला फिर मतलब खत्म कैसे होगा अगर वो मुज़ाकरात कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, तो देखिए जब तक इमरान खान है, इमरान खान कोई NRO देगा ना मुज़ाकरात, वो किसी भी चीज़ में नहीं देगा। उसने जब जब नवाज शरीफ को बंद रखा हुआ था उस पर इंटरनेशनल भी बड़े प्रेशर थे, बड़े मुल्कों के प्रेशर थे, आखिर छोड़ना पड़ा ना, उन्होंने नहीं छोड़ा, नहीं ये मैं उन्होंने पकड़ा भी नहीं। आप अदालत अब किस तरह की बात, अदालत में अगर एक फैसला किया जाए आप इसका क्रेडिट उनको कैसे दे सकते कि उन्होंने पकड़ा पकड़ा तो मैं तो नहीं कह रहा कि मैंने कहा छोड़ा नहीं, वो अभी भी मैं इस तरह क्रेडिट दे रहा हूँ कि वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए वो कभी भी NRO नहीं देंगे। अगर उसको उसने स्ट्रेट अवे कह दिया है मेरी कुर्सी जाती है तो जाए, मैंने NRO नहीं देना, क्या उनको कोई कुर्सी जाने का खतरा है जो उन्होंने ऐसी बात की? जिस तरह की देखिए अब सारी पार्टियां अगर मिल जाएं और बायकॉट कर दें और असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो कुर्सी जाएगी जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये ऑपोजिशन ये वाला क्यों नहीं है उठा रही है स्टैंड? मसला ये है कि जो आपको क्या लगता है जितने लोग जीते हैं वो क्या फेयर इलेक्शन से जीते हैं? उनको भी पता है कि अगली बार ऐसा ना हो हम और वापस ना आए, और जो पैसा लगता है एक एक MNE के इलेक्शन में, एक एक MBA के इलेक्शन में, वो 5 साल में पूरे करने होते हैं, तो अभी उसके 2.5 साल है, तो हाफ पेमेंट बाकी है, हाफ पेमेंट पूरी होगी तब हो जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। इमरान खान बहुत अच्छा बिल लेकर आ रहे हैं ये सेनेट के इलेक्शन के लिए, हाथ खड़ा करके वोटिंग का सिस्टम होगा, तो इससे आप क्या समझते हैं? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो बीच में कह रहे हैं ना कि घोड़े बिक गए हैं, तो जो बिकेगा भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देगा कि मैं बिका हुआ हूँ, और एक मतलब अगर फ्रंट फुट पे आके मैं एक पॉलिसी को सपोर्ट करता हूँ तो मुझे फ्रंट फुट पे आना चाहिए, ये बहुत बेहतर तरीका से। दूसरी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका साथ देंगी इस बिल को पास करने में? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत से बैक हैंड बैक स्टेज पे, अगर वो कहते हैं वही आपकी वाली बात, अगर वो जमहूरियत पसंद लोग हैं तो उसको तो इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि इसमें कोई भी चुपके कोई चीज़ नहीं कर सकता, हाथ उठा के आपने अगर किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो तो आपने फ्रंट फुट पे आके सपोर्ट करना है, और अगर नहीं करना तो फ्रंट फुट पे आके नहीं ना कर देनी है, तो बहुत बेहतर है कि जमहूरियत पसंद जो लोग होंगे जिस तरह को वोट को इज्जत दो, तो इट्स अ बेस्ट वे टू वोट को इज्जत दो। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी उन्होंने कहा है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाए तो बहुत बेहतर होगा ये, लेकिन अमेरिका में भी गालबन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और उसके बाद भी धांधली कर नहीं, वो देखें वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, मगर क्लेम हमेशा जो पोस्ट के जरिए आते हैं ना वो उन पे क्लेम किया जाता है, और या जो मरे हुए कुछ उसमें तो है मगर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं,
फैसिलिटी भी हो जाती है, जो लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं है, ये हमारे वोट इधर था उधर कास्ट हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोट का ये होगा कि मुझे कोटा जाने की ज़रूरत नहीं, बेशक इस्लामाबाद में बैठा हुआ मैं यहाँ से बैठ के अपने इलाके के नुमाइंदों को चूज कर सकता हूँ जहाँ मर्जी बैठा हुआ। आपको लगता है कि इस तरह भी लोग अपना वोट खरीदने में आसानी हो जाएगी, लोगों का वोट खरीदने में? जो बिकने वाले लोग हैं वो तो वैसे भी बिक जाते हैं, बिरयानी की प्लेट में भी बिक जाते हैं, 2000 रुपये में भी बिक जाते हैं, तो जो बिकने वाले हैं वो चाहे इस तरह वोट हो। हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है जो नहीं गुर्बत नहीं है, नहीं 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 ये एक बताऊं, ये जो हम हमारा गुर्बत गुर्बत का नारा लगा रहे होते ना, देखें गुर्बत मेरी नज़दीक वो नाम है जब आप दिन का खाना खाए और रात का खाना आपको नसीब ना हो, वो गुर्बत है। हमारे अंदर मायूसियत है, गुर्बत नहीं है। घर में जो गरीब से बंदा है आप उस घर में देख लें, आजकल पहले एक साइकिल होती थी पूरा घर चला रहा होता था, अब एक ही घर में जो गरीब बंदा भी है उसके घर में 2 से 3 मोटरसाइकिल है। आप सिर्फ उस गरीब घर के मोबाइल उठा ले तो टच मोबाइल 3 से 4 आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके घर में आपको केबल भी मिलेगा, उसके घर में आपको कूलर भी मिलेगा, उसके घर में आपको फ्रिज भी मिलेगा। सब सहूलतें होने के बावजूद, 2-3 टाइम का खाना खाने के बावजूद भी हमारा मुंह जो है वो तकता नहीं है, ठीक है। मायूसियत है हमारे अंदर बहुत ज्यादा, हमारे लोगों का ये है कि रोना हमने कम काम नहीं करना, रोना ज्यादा है। जिनको पैसे मिले किन को नहीं मिले, अब जो इमरान खान ने जब कोरोना के दौर में 12,000 रुपए दिए, क्या आपको नहीं पता कि जो अफसरान थे वो उन्होंने उसमें कमीशन लेने की कोशिश की है, बहुत से ली भी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो तो 18, 19, 20, 21 ग्रेड के अफसरान के फर्द फैमिली मेम्बरान उस बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में, तो आप ये क्या कहते हैं, वो क्या गुर्बत के मारे थे? नहीं, यहाँ पे हमारी जो है ना इंसानियत और मायूसियत, ये दो कमजोरियाँ हमारी, हमारे अंदर इंसानियत में नहीं है और हर वक्त मायूसियत में ही रहते हैं। तो इन दो चीज़ों से अगर ये कौम, मैं कौम तो नहीं कहूँगा, भीड़, हम भीड़ में इससे है, एक भीड़ का हिस्सा है। कौम जो बनती है तो तरक्की कौम करती है, जब तक हम भीड़ में हैं हम इसी तरह घिसते पिसते रहेंगे, और अगर जिस टाइम कौम बने और एक साथ चलने लगे तो मुँह फिर तरक्की भी होगी और हमें चीज़ें नज़र भी आएगी, बजाय इसके कि हर वक्त आप मायूसियत की बात करें। आप अपने काम पर फोकस करें, अपने चीज़ों पर तवज्जो दें, ठीक है। आप ये बताएं कौन से, नहीं आप मुझे बताएं, ये जो गरीब गुरबा की आप बात कर रहे हो, ये हर वक्त जो ये गरीब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इनसे पूछना है, 60 रुपए का टमाटर मंडी से लेके 180 और 190 रुपए टमाटर कौन बेचता है? यही गरीब। आप फ्रिज लेके जाए उसमें कुछ भी खराब ना हो, 2,500 का बिल कौन देता है? यही गरीब। आप किसी को यहाँ से नीचे से सामान ऊपर लेके आ जाओ, 1,000 रुपए 1,500 रुपए से कम कोई नहीं लेता। इमरान खान ने वादा किया था कि वो जब हुकूमत में आएंगे तो वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन हमने देखा कि उसके आने के बाद बेरोजगारी चीजें तब्दील, देखे मायूसियत फिर मायूसी क्यों, देखे बात सुने, इस टाइम हमारे टेक्सटाइल बिल वो जो बिजली का बिल कम करने की कोशिश में है और यूनिट लोअर कास्ट पे करने की कोशिश में है, उससे अभी तकरीबन जो फैसलाबाद के कितने टेक्सटाइल है जो वापस चलने लगे, बाहर से एड आने, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ने लगी है। इस कोरोना के टाइम में जब दुनिया में बहुत नीचे हैं, हम बहुत बेहतर तरीके, देखें इमरान खान में 10 ऐब है या 10 चीज़ें हैं, मगर जहाँ पे उसकी क्रेडिट देना चाहिए उधर देना चाहिए, कोरोना का उसने बेहतर तरीके से, कोरोना के दौरान 50% ज्यादा महंगाई हुई है पाकिस्तान में, तो ये किसने, आपको एशिया के दूसरे ममालिक नहीं, नहीं किस, मैं तो वही तो अभी आपको सवाल मैंने जवाब दिया ना कि 60 रुपए का टमाटर बिकता है, हमारे लोग तो ऐश, देखो मैं जरा 2 मिनट मुझे नहीं, 60 रुपए का टमाटर बिकता है, इस टाइम आपको टमाटर का भाव पता है? 120 यहाँ पे, मंडी में कितना है? 75 रुपए। हमारे लोग मंडी क्यों नहीं जाते? जरा थकावट करें ना, 3 दिन का 4 दिन हफ्ते का कोई राशन लेने चले जाएं, 75 रुपए का है, आप 120 रुपए और यहाँ पे जो दूसरे मार्केट है 160 रुपए, आप 160 रुपए क्यों काउंट करती हैं? हमारी मीडिया भी काउंट करती है 160 रुपए, 75 रुपए मंडी में मिलते हैं, जिसने जाने जाए। केले का ये कहते हैं कि केला बड़ा महंगा है, कितना है के दर्जन, आपको पता है? नहीं है। आप अपने सेक्टर से उठाते हैं, जब आप अयाशी करते हैं ना सेक्टर से उठाने के लिए, तो सेक्टर में प्राइस भी वही होगा, आप 70 रुपए दर्जन है, जाके ले लें मंडी में। देखिए हमारे लोग ना ना कोई ख्वारी भी करे ना, आपके पास अगर है कोई चीज महंगी हो जाती है, लेकिन अगर कोई जाता है तो उसका उतना पेट्रोल लग जाता है, पेट्रोल इतना महंगा है, फिर सारी 100 रुपए हो गए हर चीज की,
उससे आप पहले 2008-09 में 134 रुपए पे अब जाके हुआ हो गया, इससे पहले इतने 102 रुपए। देखिए हमारी लोग मत की, अब यही बेनजीर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में 134 रुपए का भी लीटर चला गया था, ठीक है, उसका मसला नहीं, अब 100 रुपए पे है, ठीक है। डॉलर ये कहते कि बात सुनो, कितना पेट्रोल लगता है, आप बाइक पे जाते हो तो ज्यादा ज्यादा आने जाने में आपका एक लीटर लगेगा 100 रुपए। आप चीजें आप एक हफ्ते के लिए उठाएं, आपको पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। ये दूसरी बात है, सस्ती चीजें मिलती हैं। अब आटा मैंने जिस टाइम आप लोगों ने कहा था ना कि आटे के बुरान हो रहा है, बड़ी चीजें मैंने देखी आटे के बुरान हो रहा है, मुझे नहीं दिखा कि आटा का बुरान। मैं जिस दुकान पे गया, जहां भी गया, मुझे आटा अवेलेबल, और मेट्रो गया था तो तकरीबन इस स्टूडियो 10 स्टूडियो को मिला लो, इतनी जगह में आटा ही आटा। हमें आपके साथ जाना चाहिए था। नहीं, आप मुझे नहीं, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इस्लामाबाद में जब आपको चीज चाहिए होता मेट्रो चले जाओ, सवाल ही नहीं पैदा मेट्रो, आप G9 चले जाओ सवाल नहीं पैदा, आपको चीज ना मिले। गरीब लोग मेट्रो थोड़ी जाएंगे, वो गरीब लोग मेट्रो क्यों नहीं जाते, मेट्रो का बाकी जगह से सामान सस्ता है तो मेट्रो क्यों नहीं जा रहे, उनसे ज्यादा से डिस्काउंट। आप वहां पर चूज स्कूल पे जो चीज ले रहे हो मेट्रो में वो चीज सस्ती, ज्यादा सस्ती मिलती है, ठीक है। मगर वही है ऐसी शरत, यहाँ से उठ के वहां कौन जाए, बस इसीलिए यहाँ से खरीदारी करनी पड़ती है। तो जब यहाँ से खरीदारी करोगे तो कीमत भी वही देनी पड़ेगी, आप फैसिलिटी यूज कर रहे हो तो उस फैसिलिटी के चार्जेस होंगे और वो आपको देने पड़ेंगे। इसी के साथ हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।